गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फर्स्ट ऑफ जनवरी है 2022। आज हम लोग इस नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और मैं भी काफ़ी एनर्जेटिक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी काफ़ी एनर्जेटिक होंगे। आज के दिन तो कम से कम होंगे ही। चलिए, खैर, आज बहुत सारे लोगों ने बहुत नया नया, मतलब कह लीजिए कि नया नया संकल्प लिया होगा कि आज तो हम ये करेंगे, इस पूरे साल ये करेंगे, ये अच्छे से करेंगे, ये काम तो मैं करूँगा ही करूँगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है कि आप कम से कम तो एक दिन के लिए तो ऐसा करते हैं एटलीस्ट। स्टिल, अगर आप इसको अपनी हैबिट्स में शामिल करें, जो बात आप कह रहे हैं, जो बात आप सोच रहे हैं, अगर आप उसको अपनी हैबिट्स बना लेते हैं तो आपको रिजल्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल सीरीज में मिलेगा। स्टिल, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज हम आपके साथ आए हैं कुछ स्टोरीज़ को लेकर के, जिसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी है जो स्टूडेंट्स के लिए होती है और मैं अक्सर अपने क्लास में सुनाया करता हूँ बच्चों को। तो आज मैं सोचा कि चलो सबको सुनाते हैं। ऐसे ये कोई स्टोरी बहुत, मतलब नई स्टोरी नहीं होगी, बहुत तो लोगों ने सुन रखी होगी, लेकिन स्टिल आप अगर इस स्टोरी को बहुत अच्छे से सुनते हैं तो आप मोटिवेट ज़रूर होंगे और आपको भी लगेगा कि कम से कम तो मोटिवेशन तो आपको मिला ही। चलिए, देखिए कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मूर्तिकार होता है जो मूर्ति बनाता है पत्थर से, ठीक है। तो मूर्ति बनाता है पत्थर से, तो राजा कहते हैं, आदेश देते हैं मूर्तिकार को कि देखो भगवान की मूर्ति बनानी है, ठीक है, भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है और बहुत बेहतरीन क्वालिटी का पत्थर से मूर्ति बनना है। तो मूर्तिकार को लगता है कि राजा का आदेश है तो बहुत अच्छा पत्थर चुनना होगा और अच्छे पत्थर से बनाना होगा। मूर्तिकार के पास बहुत सारे लेबर्स भी थे, मतलब मूर्तिकार अच्छा था, तो राजा ने उसको बुलाया, उसके पास बहुत सारे लेबर थे, लेकिन राजा, लेकिन जो मूर्तिकार है वो रिस्क नहीं ले सकता था। तो राजा का आदेश था तो रिस्क नहीं ले सकता था, इसीलिए मूर्तिकार खुद पत्थर चुनने चला गया। अब पत्थर चुनने के लिए वो चला गया किसी जगह पर, लेट से मान लेते हैं कि जयपुर में स्टोन माइंस में गया, वहाँ से पत्थर लेकर आना था उसको। तो वहाँ जब गया तो सामने दो पत्थर थे, उन बहुत सारा पत्थर देखा होगा, उसमें से दो पत्थर बहुत बेहतरीन थे जिससे मूर्ति बनाई जा सकती थी। और मूर्तिकार का इतना एक्सपीरियंस था कि वो पत्थर देख करके ही मूर्ति को तराश लेता था अपने मन में। उन्होंने दोनों पत्थर को तराश लिया कि इन दोनों पत्थर में से मूर्ति बनाई जा सकती है। अब विडंबना यह है कि दोनों पत्थर में से एक पत्थर जो था वो चाहता ये था कि ये मूर्तिकार मुझे यहाँ से ना ले जाए, ठीक है, मुझे यहाँ से ले नहीं जाए, ठीक है, मैं यहीं ठीक हूँ, एकदम सेटल हूँ यहाँ पर, एकदम बढ़िया ज़बरदस्त, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब अपनी लाइफ में एकदम सेटल हो चुका है, एक तरह से ऐसे समझिए सेटल, उसको लग रहा है कि ऐसा ही है, यहीं पर हम सेटल हैं, इससे आगे मेरे हमको नहीं चाहिए, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में सेटल है, खैर ऐसा उसको लगा। लेकिन दूसरी जो मूर्ति पत्थर थी, तो दूसरी पत्थर में उसको उस पत्थर को ऐसा लगता था काश मेरा ज़िंदगी यहाँ से सकरे, मैं अपनी वैल्यू बढ़ा सकूँ, मुझे अपनी वैल्यू बढ़ाने का मौका मिले तो मैं और अपनी वैल्यू बढ़ाऊँगा। तो ऐसा होता है कि जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं, जैसे वो मूर्तिकार है, उसको पत्थर से वाइब्स जो आते हैं वो पत्थर से वाइब्स को समझ पाया और जो पत्थर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता था उस पत्थर को पिक कर लिया और पिक करके बहुत ही बेहतरीन मूर्ति बनाया, बहुत ही बेहतरीन मूर्ति उससे बना। और राजा भी काफ़ी खुश थे, मूर्ति का काम देख करके बहुत खुश थे। राजा ने कहा, आदेश दिया कि देखो मूर्ति तो बन गई है, मूर्ति मंदिर में स्थापित होगी, मंदिर के फर्श पे लगना है मार्बल, तो देखो लोग आएंगे, नारियल फोड़ेंगे, सब करेंगे, ठीक है, तो एक काम करो कि इसी का मिलता जुलता पत्थर, इसी क्वालिटी का मिलता जुलता पत्थर कुछ, मतलब डिसेंट हो, और नारियल फोड़ने वाला जगह बनाओ उससे। मूर्तिकार को ध्यान था एक पत्थर के बारे में, जो पत्थर वो छोड़कर आया था और जो पत्थर अपनी जगह से जाना नहीं चाहता था।
तो खैर मूर्तिकार गया वापस और वहां से क्या किया, पत्थर को लेकर आया, उस पत्थर को जो जाना नहीं चाहता था, और उस पत्थर को भी थोड़ा सा तराश करके और नारियल फोड़ने के लिए लगाया। अब देखिए क्या हो रहा है, जो मेन स्टोरी का पार्ट है। अब देखिए, जो पत्थर अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता था, लोग उसको देवता बना दिए। लोग रोज उस पर गंगा जल चढ़ रहा है, रोज उस पर दूध चढ़ रहे हैं, रोज उस पर मतलब उसका अभिषेक हो रहा है। उसकी वैल्यू तो बढ़ गई, लोग उसके सामने आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, झूलिया फैला रहे हैं। उस पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा बढ़ गई, हो गई एक्चुअली में, तो उस पत्थर की वैल्यू बढ़ गई। और दूसरा पत्थर बेचारा अब अपनी किस्मत पर रो रहा है। पता नहीं आप इस स्टोरी को मजे के लिए सुन रहे होंगे या फिर चलिए एक स्टोरी है आप सुन लेते हैं ऐसे, लेकिन आप फ्लैशबैक में जाकर देखिए। फ्लैशबैक में आप जाइए, फ्लैशबैक में आप जाकर के आप किसको देखेंगे? अगर आप 15 से 20 साल के, 25 साल की उम्र में हैं, तो आप अपने माँ बाप को देखिए। अगर आपकी उम्र मतलब आप किसी के पेरेंट हैं, तो आपको अपनी लाइफ को थोड़ा पीछे करके देखना चाहिए। इंडिया में क्या है दिक्कत, प्रॉब्लम क्या है, 99% लोग वो सेकंड टाइप ऑफ पत्थर है, जिनको लगता है कि वो अपने कंफर्ट जोन में आ गए हैं, यानी वो हर चीज़ में सिक्योरिटी ढूंढते हैं। हर चीज़ सिक्योर उठाना चाहिए भाई, जॉब हो तो बैंक में हो, रेलवे में हो, मतलब कुल मिलाकर सरकारी हो, लेकिन कभी वो उसकी फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालते हैं। फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? मेरे बच्चे का खुद का पोटेंशियल 1000 गुना है, लाख गुना है पोटेंशियल, लेकिन गार्जियन की मेंटेलिटी ऐसी है कि ऐसा नहीं हो पाता है। बच्चा करना चाहता है, क्योंकि आज वो जो रेस आप सुनते हैं, धीरे धीरे चलने से बहुत कुछ हो सकता है, जिसमें आप कछुआ देखे होंगे और जिसमें आप खरगोश की भी कहानी सुने होंगे, दोनों का कोई कंपेयर नहीं है दोस्त। सीधी सी बात समझो, खरगोश जब चाहे तब रेस बदल सकता था, जब चाहे तब। ये खरगोश का आलसीपन नहीं है, एक्चुअली में खरगोश कछुआ से रेस ही नहीं लगाना चाहता था। क्या लगता है आपको, धीरे धीरे चलने से जिंदगी में जो ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, आ पाएगी? नहीं। आज का समय धीरे धीरे चलने का नहीं है, आज का टाइम है कि आप समय के साथ चले और फ्यूचर को माइंड में रख के चले। ये इस कहानी का मेन सार है, मेन पॉइंट आप इस कहानी से यही समझ सकते हैं। बाय द वे, विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर अहेड, एंड दिस न्यू ईयर विल बी ऑल्सो प्रॉस्पेरस, वेल्दीएस्ट एंड हेल्दीएस्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड वाइड जो कोरोना का इफेक्ट पिछले 2-3 सालों से लगा हुआ है, हम लोग सब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि जल्दी सब कुछ ठीक हो, अब सब कुछ ठीक होने की स्थिति में आ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि इस स्टोरी को यंग जनरेशन कम से कम 15 to 25 ईयर के एज के लोगों के बीच में जितना हो सके, जो भी आप कर सकते हैं, कम से कम